घर पर फटाफट पिज़्ज़ा बनाने के लिए पिज़्ज़ा बेस, और इसे हम अवन में नहीं तवे पर बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ निशा मधुलिका। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा बेस, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने प्याले में 2 कप मैदा ले ली है। इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच एक्टिव ड्राई यीस्ट। इसे अलग से एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं होती। आधा छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच चीनी और 2 छोटे चम्मच सूजी। ये सारी चीज़ों को मिला लेते हैं और गुनगुने पानी की सहायता से एकदम सॉफ्ट डो बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा तेल हाथ पर डालना है और इसे मलना है। इसे हमने पूरे 6-7 मिनट मसल लिया है, एकदम सॉफ्ट जो है, और इसे बनाने में 3/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा है। 1 कप पानी लिया था, ये 3 टेबल स्पून लगभग पानी बच गया है। थोड़ा सा तेल इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। इसे हम ढक कर 1 से 2 घंटे के लिए गर्म जगह पर रख देंगे। 1 घंटा हो गया है, हमारा आटा भी फूल कर तैयार हो गया है। थोड़ा सा सूखा मैदा लेंगे और डो को पंच कर लेंगे। पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए हम डो के ऊपर थोड़ा सूखा मैदा लगा लेंगे और इसे बराबर 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे। और 1 भाग उठाएंगे और इसको इस तरीके से करते हुए इसकी लोई बनाकर तैयार कर देंगे। थोड़ा सूखा मैदा ले लेंगे और इसे गोल करके रख लेते हैं। ये हम सारी लोइयां तैयार कर लेते हैं। ये हमने 4 लोइयां तैयार कर ली। अब पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए जो पहले से लोई हमने तैयार की है, सबसे पहले वो उठा लेंगे और इसे सूखे आटे में रोल कर लेंगे। हल्का सा लगाएंगे, एक्स्ट्रा आटा हटा देंगे और ये बची हुई लोइयों को हम ढक के रख लेंगे। इसको हम थोड़ा सा मोटा गोल बेलेंगे, 6-7 इंच के व्यास में बेल लेंगे। इसे हमने बेल लिया, हल्का मोटा रखा है। अब हम इसे फॉर्क से प्रिक कर लेंगे ताकि हमारा पिज़्ज़ा बेस फूले ना। हम इसे किसी गोल डिब्बे या उसके ढक्कन से काट लेंगे। इससे पिज़्ज़ा बेस किनारों से अच्छा मोटा बनेगा और गोल भी बनेगा। तो अब हम इसे सेक लेते हैं। सेकने के लिए हमने ये पैन ले लिया है, गरम करेंगे। पैन हल्का गरम होते ही फ्लेम को एकदम लो कर देंगे। इसमें बिछाने के लिए हम एक ये बटर पेपर ले लेंगे, गोल काट लिया है हमने। सादा प्लेन सफ़ेद पेपर भी ले सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। ध्यान रखेंगे फ्लेम कम होनी चाहिए। तो ये जो पिज़्ज़ा बेस है, ये उठाकर हम इस पेपर के ऊपर डालेंगे, इसको ढक देंगे और 2 मिनट इसी फ्लेम पर सिकने देंगे। और जब तक ये सिक रहा है, तब तक हम दूसरा पिज़्ज़ा बेस बेलकर तैयार कर लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, ये अच्छा सा फूल गया है। हम इसे पलट देंगे और दूसरी ओर से भी 2 मिनट सिकने देंगे। इसको हमने 2 मिनट दूसरी ओर भी सेक लिया, पिज़्ज़ा बेस सिक कर तैयार हो गया। दूसरा पिज़्ज़ा बेस भी इसी तरीके से सेक कर तैयार करेंगे। पिज़्ज़ा बेस बनकर तैयार है, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और साइज़ आप अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना है, जब आप डो लगाएं, सॉफ्ट डो लगाएं, बेलते समय ध्यान रखना है, थोड़ा सा मोटा बेलें, प्रिक करें, सेकते समय फ्लेम कम रखें। आप बहुत अच्छे पिज़्ज़ा बेस बनाकर तैयार करेंगे। इन्हें किसी पॉलीथीन में या बटर पेपर में लपेट कर फ्रिज में रख सकते हैं और 3 दिन तक यूज कर सकते हैं। तो आप इन्हें बनाइए, यूज़ कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।